नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर सिंगल कलर के स्वेटर के लिए एक बहुत ही आसान और खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना इतना आसान है कि बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 4-4 फंदे हम गिने तो लास्ट में 3 फंदा बचना चाहिए। तो डिज़ाइन बताने के लिए मैंने 11 फंदे डाल रखे हैं। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से हम 3 फंदे को सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 और चौथे फंदे को हम स्लिप करें। इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदे को सीधा बुनना है, 1, 2, 3 और चौथे फंदे को स्लिप करना है। लास्ट में 3 फंदा बचेगा जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो 3 फंदों को जिसे हमने सामने की तरफ से सीधा बुना है, उसे रॉन्ग साइड से हम सीधा ही बुन लेंगे। तो 3 फंदों को सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। चौथे फंदे को स्लिप करना है, फिर उन दूसरी ओर। अब यहाँ से दूसरा डिज़ाइन, रिपीट पैटर्न, 3 फंदा सीधा, 3 अपनी ओर, चौथे फंदे को स्लिप करना है, फिर लास्ट में 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहली लाइन में हमने 3 फंदे सीधे बुनेंगे और तीसरी लाइन में 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, 3 फंदा सीधा। देखिए, जिन 3 फंदों को हमने सीधा बुना था उसका 1 फंदा हमने बुन लिया है, ये दूसरा फंदा है, इसे हमें स्लिप करना है। यानी पिछली लाइन में पहली लाइन के बुने हुए 3 फंदों में से दूसरे फंदे को हमें तीसरी लाइन में स्लिप करना है। फिर नेक्स्ट 3 फंदा सीधा। अब देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया था, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है। 3 फंदा सीधा, लास्ट में 2 फंदा बचेगा, तो सेकेंड लास्ट को स्लिप करना है और लास्ट फंदे को सीधा बुनना है। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो बुने हुए फंदे को, यानी इस फंदे को हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर, दूसरे फंदे को हमने स्लिप किया था, तो इसे वापस स्लिप कर लेंगे, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे। और फिर उन दूसरी तरफ, इन 3 फंदों को हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था, तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे सीधा ही बुन लेंगे। 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर, ये फंदा हमने स्लिप किया था, तो इसे रॉन्ग साइड से भी स्लिप करेंगे। उन दूसरी ओर, अब ये 3 फंदा हमने सीधा बुना था, तो इसे हम रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बुनेंगे। अपनी ओर, स्लिप किया हुआ फंदा इसे वापस स्लिप कर लेंगे। उन दूसरी ओर, और बुना हुआ फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 4 लाइन को हमें बार बार रिपीट करना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स,
डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया हो। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।